फाइनली गाइस, आज मैं कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमें महिंद्रा स्कॉर्पियो चलाना सिखाएं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्कॉर्पियो को कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ बेसिक बताने वाला हूं कि कैसे आप शुरुआती दौर में एक बड़ी गाड़ी जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी आपको कैसे चलानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये स्टेयरिंग व्हील है हमारा, क्योंकि ये S5 वेरियंट है, इसको कन्वर्ट कराया गया है S9 में। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल से फीचर्स मिलते हैं, कुछ ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते। नीचे की साइड अगर देखेंगे तो ये हमारा है ABC पैटर्न चलता है इसमें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं है। ये है हमारा एक्सीलरेटर, ये है ब्रेक और ये है क्लच। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि क्लच को हम लेफ्ट पैर से यूज़ करेंगे और ब्रेक और एक्सीलरेटर को राइट पैर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए। सीट बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे आपको चाबी इंसर्ट करनी है। जैसे आप फिलहाल मैं आप चाबी यहाँ पे नहीं इंसर्ट करने वाला हूँ, मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चाबी को इंसर्ट कीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से आप एकदम माहिर हो जाएंगे गाड़ी चलाने में, लेकिन आपको एक आइडिया सिंपली हो जाएगा कि गाड़ी को चलाते कैसे हैं। तो सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको सीधा चाबी, आपने इग्निशन स्टार्ट कर लिया, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हैंड ब्रेक गिरा है कि नहीं। तो हमने ब्रेक को दबा के ये हैंड ब्रेक को गिरा देना है, जैसे कि हमारा हैंड ब्रेक ये गिर गया, ठीक है। हैंड ब्रेक को गिराने के बाद आपकी गाड़ी फ्री हो गई, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी हैंड ब्रेक ऊपर ही करता हूँ। उसके बाद ये है गियर पैटर्न, अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं। फिलहाल ये गाड़ी हमारी गियर में नहीं है, ये देखिए, ये हमने क्लच को प्रेस किया, ब्रेक मैंने दबा दिया है, ये हमारी गाड़ी अब फ्री है। ये देखिए, ये इसको कैसे पता करें कि गाड़ी हमारी फ्री है कि नहीं। ये देखिए, मैंने ऐसे किया, ये फ्रीली मूव हो रहा है, इसका मतलब हमारी गाड़ी गियर में नहीं है, हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है। अगर ये गियर में होती तो क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहते, ये देखिए। अगर गाड़ी गियर में रहती है, जैसे मैंने फर्स्ट गियर में डाल दिया, तो ये देखिए अब ये मूव नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हिल रहा है। और अगर गाड़ी गियर में अगर न्यूट्रल रहेगी तो ये आप देखेंगे ये फ्रीली मूव हो रहा है। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि गाड़ी न्यूट्रल और गियर में क्या डिफरेंस रहता है। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आप इग्निशन यहाँ पे लगा दीजिए, जैसा कि ये स्कॉर्पियो S5 मॉडल है, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, हो सकता है आपको शुरू में चलाने में थोड़ी सी दिक्कतें आएँ, लेकिन उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसका बोनट वगैरह काफ़ी एकदम अच्छे से दिखाई देता है। तो ऐसा आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली गाड़ी चलाने में। तो सबसे पहले आपको चाबी लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद ये ABC पैटर्न काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्लच है, सिंपली आपको एक पैर आपका क्लच पर रहेगा, एक ब्रेक पर रहेगा, ताकि अगर झटके से क्लच छूट जाए तो आपकी गाड़ी को कोई हार्म ना हो। तो पहले आपको क्लच को ऐसे प्रेस कर लेना है, तो मैंने क्लच को प्रेस कर दिया। क्लच को प्रेस करने के बाद ये देखिए, मेरा एक पैर अभी भी फिलहाल ब्रेक पे है। उसके बाद मैंने इधर गया तो मैंने ये फर्स्ट गियर डाला, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट गियर डालने के बाद आपको क्लच को छोड़ना कैसे है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, झटके से क्लच छोड़ देते हैं। दिक्कत क्या होती है, वहाँ पे आपकी गाड़ी झटके खाती है और बंद हो जाती है। तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको ये देखिए ध्यान से, जैसे आपने क्लच दबाया, ठीक है, तो ये देखिए आपको क्लच छोड़ना कैसे है, कि एक पैर आपका ये देखिए ऐसे रहेगा और क्लच को आपको ऐसे छोड़ना है। मैं आपको स्लीपर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि आप गाड़ी चलाते वक्त स्लीपर्स पहने। देखिए ऐसे अगर आप क्लच छोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी नहीं जाती। ये देखिए ऐसे दबाया, ये यूँ आप छोड़िए, ना कि यूँ, ऐसे अगर आप ऐसे छोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी झटके खाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं पे अगर आप ये यूँ ऐसे इस टाइप का, अगर मैंने अभी स्लीपर पहना है, अगर शूज़ पहना होता तो ज़्यादा बेटर रहता, ऐसे छोड़ेंगे। तो होप करता हूँ आपको आइडिया मिल गया होगा, बेटर आइडिया कि कैसे क्लच को छोड़ते हैं। फिर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्लच गियर वो जैसे ही लगाते हैं उनको आइडिया नहीं मिल पाता कि गियर लगाते हैं कैसे। तो ये देखिए, फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि गियर कैसे लगाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हमारी गाड़ी न्यूट्रल में अभी, ठीक है, तो फर्स्ट गियर आपका ये गया, सेकेंड गियर अगर मान लीजिए आपने थोड़ा सा उसके बाद एक्सेलरेट किया गाड़ी को, तो सेकेंड गियर आपको फिर क्या करना है, उसके बाद आपको क्लच प्रेस करना है, सीधा वहीं पर जहाँ पर है उसको सीधे चले आना है। आपको ध्यान दीजिए, अगर ये फर्स्ट गियर में है तो आपको सीधे चले आना है नीचे की तरफ, मतलब हल्का सा उस तरफ फोर्स लगा के सीधे आपको ऐसे नीचे आना है, तो आपके ये सेकंड गियर में आ गया। ये देखिए, ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर। अब उसके बाद दिक्कत होती क्या है कि अब थर्ड गियर में जाना है, तो हमको थर्ड गियर में हम कैसे जाएं, तो आपको सिंपली क्लच प्रेस करना है, जैसे कि कंपलसरी है। क्लच प्रेस करने के बाद आपको ये देखिए, पहला गियर आपको ऐसे लगाना है, अगर आपको थर्ड गियर में जाना है तो आपको सीधे ऐसे चला जाना है। ये आपका जैसे सेकंड गियर में है, उसके बाद यहाँ पे आया, आप ऐसे चले गए, ये तो ये थर्ड में चला गया। थर्ड के बाद फोर्थ में आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे नीचे चलाना है। ये देखिए आपका थर्ड में है, ये सीधे आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है, तो ये आपका थर्ड में आ गया। अगर उसके बाद आपको
माफ़ कीजिएगा, फिफ्थ फोर्थ गियर में आ गया, थर्ड में तो ऊपर जाता है, जैसे सेकंड गियर में है उसके बाद आपको थर्ड में जाना है, तो ये बीच में आएगा, उसके बाद आप ऊपर सिंपली प्रेस कर दीजिए, थर्ड में चला जाएगा। फोर्थ में आने के लिए आपको बहुत ही ईजी है, आप सीधे क्लच गियर को नीचे प्रेस करिए तो ये आपका फोर्थ गियर में आ जाएगा। फिफ्थ गियर में जाने के लिए बहुत ही रेयर यूज़ होता है, हाईवेज पे फिफ्थ गियर का यूज़ होता है, फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ गियर में जाने के लिए आपको सिंपली अगर आप ऐसे करके जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आप थर्ड गियर में हैं तो आप ऐसे करके ऐसे जाते हैं तो सीधा आप फिफ्थ गियर में चले जाते हैं, और रिवर्स के लिए सीधा फिफ्थ से नीचे ऐसे आप फिफ्थ गियर में आ जाते हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ बेसिक्स गाड़ी को चलाने के लिए, बाकी और इसका ये क्योंकि ये स्कॉर्पियो है तो थोड़ी सी हैवी गाड़ी पड़ जाती है, और इसका ये पूरा भी देखिए थोड़ा गंदा है, बच्चे ने चिप्स विप्स खा के फेंक दिया है, और यहाँ पे आपको डुअल एसी विंड्स भी मिलते हैं, तो यही आप ऐसे गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल इसकी स्टेयरिंग में कुछ कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये S5 मॉडल है। यही कुछ बेसिक्स थे आपको गाड़ी चलाने के लिए, अगर आपको गाड़ी चलाना है सिंपली तो आप ऐसे ही चला सकते हैं, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है गाड़ी चलाने में। और यहाँ पे देखिए इसके एसी कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप इस प्रकार से गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में।